हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में, और मैं हूं विपिन यादव। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं छोटा सा एक जानकारी, इंग्लिश का क्लास अभी शुरू होगा, लेकिन आपको मैं छोटा सा जानकारी दे दूं। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी का एप्लीकेशन, लर्निंग एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और विपिन कुमार के नाम से आप वहाँ मुझे सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे चैप्टर मैंने वहाँ पर पढ़ा दिए और पूरी कंप्लीट वीडियो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और अनअकैडमी का मैं वेरीफाइड एडुकेटर हूँ, और हालांकि हर वीडियो में मैं आपको बताते रहता हूँ, यहाँ भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आप जाके रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर कंप्लीट करना चाहते तो यहाँ से जाइए, एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, और देखिए इंग्लिश का क्लास, मज़ा आ जाएगा। नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में कहना चाहता हूँ इस साल का लोकप्रिय टॉपिक ये। सलाम ले जाता हुआ उरन खटोला और बीन बजाती हुई डाकिन। नाम है महाधन अपनो, नहीं कोई और दूसरी संपत्ति कमानी, छोर अटारी अटाचक में हमको कुटिया प्रेस माही बनानी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती पे, और मैं हूँ इश्तियाज आलम। चलिए दोस्तों, आज आर्टिकल से आगे बढ़ा जाए। मैंने आर्टिकल का बेसिक बहुत अच्छा से आपको समझा दिया था, आज उससे आगे बढ़ना है। वो ऐसा टर्म आपके लिए है जो आप बार बार रूल को पढ़ते हो, है ना, फिर भी नहीं समझ में आता है आप लोगों को, है ना। पूरा बुक पढ़ जाते हो, कहाँ पे आर्टिकल अब कहाँ पे उसका पोजीशन क्या होगा ये पता हम लोग को नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन आज मैं उस टर्म को आपके सामने लेकर आया हूँ, और मैं बताऊँगा कि आर्टिकल कब किसके बाद कैसे लगाना है वो मैं बताऊँगा। मैंने आपको सिखा दिया था कि ए और एन कहाँ लगाना है, उसका फॉर्मूला बहुत अच्छा सा मैंने आपको बताया था, ठीक है। आज चलेंगे हॉट टिप्स। अब हॉट टिप्स क्या है, फॉर्मूला, कुछ ऐसा हॉट बात, ठीक है। चलते हैं आज हम लोग यहां पे और देखते हैं कुछ आज खास बात इसमें हम लोग कैसे इसको बनाएंगे, देखेंगे। एससीएन, एससीएन का फुल फॉर्म क्या होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हां, एससीएन का फुल फॉर्म होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर दुनिया में कोई भी वर्ड अगर एससीएन हो, नाउन हो, वो नाउन हो और वो काउंटेबल हो, लेकिन वन हो, एक हो, कितना हो, एक हो, हाँ कोई भी काउंटेबल नाउन हो लेकिन एक हो, कितना हो, एक हो, तो वो बिना आर्टिकल का नहीं आएगा, आर्टिकल लग कर ही आएगा, ई एन लगाना पड़ेगा आपको, है ना। कोई भी एसियन हो अगर वो सिंगल रहेगा, एक रहेगा, तो उसके पहले आर्टिकल आएगा। जैसे मैं बोलूं पेन, आई हैव पेन, आई हैव पेन नहीं होता है, आई हैव ए पेन होता है, ठीक है, क्योंकि पेन आपने सिंगुलर बोला। आई हैव काउ, आई हैव काउ नहीं, आई हैव ए काउ, ये हुआ सही, ठीक है। तो आपको कभी भी एसियन का यूज करना होगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन कोई भी लगाना होगा, ए या एन में से कोई भी एक लगाना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिखा बॉय, तो बॉय में क्या होगा, ए लगाना होगा, ठीक है, क्योंकि एसियन है और एसियन आर्टिकल लेकर आएगा, क्लियर। आगे बढ़ा जाए, पीसीएन, पीसीएन का फुल फॉर्म क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, है ना, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म है, तो इसके पहले नो आर्टिकल, इसके पहले नो आर्टिकल, इसलिए मैंने यहां पे क्रॉस भी कर दिया है। हमको आप ये बताइए, जब मेरे पास टू पेन्स है तो उसमें ए या एन लगाने का क्या काम है, हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, आई हैव ए टू पेन्स, जब आप ए बोल रहे हैं तो फिर टू पेन्स क्यों बोल रहे हैं, और जब टू पेन्स बोल रहे तो ए क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो जब प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा, इट मींस पीसीएन रहेगा, तो उसके पहले नो आर्टिकल, क्लियर। तो यहां पर बॉयज लिखा हुआ है, तो यहां ए या एन कुछ भी आएगा, नहीं आएगा, तो यहां पर क्रॉस करेंगे, क्लियर, वहां भी मैंने क्रॉस कर दिया है, ठीक है। आगे देखा जाए, यूसीएन, UCN, UCN means क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं वो आपका क्या है, UCN है, अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे राइस, वाटर, मिल्क,
कोल्ड, ये सब क्या, सैंड, सॉइल, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल है। और अनकाउंटेबल को जब काउंट नहीं करेंगे तो उसके पहले आर्टिकल क्यों आएगा? कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या, जाओ तो चार पानी लेकर आओ, चार बालू लेकर आओ, ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, उसको काउंट कर ही नहीं सकते हैं। राइस कितना से कितना गरीब आदमी होगा वो चावल को काउंट करके खरीदेगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो वो अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के पहले नो आर्टिकल मैंने क्रॉस कर दिया है, यूसीएन के पहले नो आर्टिकल मैंने यहां पे क्रॉस कर रखा है, ठीक है। तो यहां पे वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उसके पहले क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्लियर। आगे देखा जाए, हाँ यहां देखा जाए, अब एडजेक्टिव की बारी है, अब एडजेक्टिव की बारी है। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो आपका एडजेक्टिव है। हाँ, नाउन को क्वालिफाई करेगा वो आपका एडजेक्टिव है। जैसे गुड, बैड, ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ये सब क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। तो एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में अगर सिंगल आएगा और उसके बाद नाउन नहीं आएगा, अगर एडजेक्टिव सिंगल आएगा और उसके बाद में नाउन अगर नहीं आएगा तो उसके पहले आर्टिकल भी नहीं आएगा, है ना। अगर एडजेक्टिव अगर सिंगल आएगा और उसके बाद नाउन नहीं रहेगा तो आर्टिकल भी नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा, कभी लोग बोलते हैं कैसे, देखिए तो आई एम ए गुड, आई एम ए गुड होगा, नहीं नहीं, आई एम ए गुड बॉय हो सकता है लेकिन आई एम ए गुड नहीं होगा, बल्कि आई एम गुड होता है, आई एम गुड, आई एम ए गुड नहीं, क्योंकि गुड के बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा। अगर नाउन है तब आर्टिकल लगेगा, अगर सिंगल एडजेक्टिव है तो उसके पहले नो आर्टिकल, ठीक है। देखेंगे एडजेक्टिव के बाद कुछ भी नहीं है, इसलिए इसके पहले नो आर्टिकल। एग्जाम्पल में मैंने दिया है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है। इसके बाद कोई भी नाउन है, इसके बाद कोई भी नाउन है, नहीं है, तो इसके पहले नो आर्टिकल। एन ऑनेस्ट नहीं होता है, आई एम एन ऑनेस्ट, नहीं नहीं नहीं, नाउन तो आगे है नहीं, है ना, इसलिए यहां पे नो आर्टिकल, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे एडजेक्टिव प्लस एससीएन रहेगा, क्या रहेगा, एडजेक्टिव प्लस एससीएन, हाँ एडजेक्टिव प्लस एससीएन रहेगा। अगर कोई एडजेक्टिव रहेगा इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो अब इसके पहले आर्टिकल आएगा। हाँ, एडजेक्टिव यहां पर सिंगल था तो नहीं लगाए थे, लेकिन अब एससीएन आ गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया है, तो अब आर्टिकल आपका लगेगा, है ना। तो ए या एन में से कोई भी लगा लेंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, क्या सिंगल आया है, नहीं, आगे बॉय है ना, बॉय है ना जी, यहां पर बॉय यहां है, तो ये आपका एससीएन हो गया, अरे एससीएन आपका बॉय हो गया, ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एडजेक्टिव प्लस एससीएन रहेगा तो आर्टिकल आपका आएगा, ठीक है, आएगा आर्टिकल, देखेंगे। तो अच्छा, अब ये बताइए हमको, मैं भी यहां पर कंफ्यूज हो गया हूं, थोड़ा सा देखेंगे आप लोग। अच्छा, ये ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो बॉय के पहले क्या आएगा, ए की एन, ए बॉय आएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बताइए, ये अभी अब बताइए, अगर बॉय यहां नहीं रहेगा तो ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, आर्टिकल तो नहीं आएगा, क्योंकि आपका सिंगल अगर ऑनेस्ट रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा तो नो आर्टिकल, मैंने बताया था, ठीक है। लेकिन अब आया है एडजेक्टिव प्लस एससीएन तो आर्टिकल आएगा। तो किसके साउंड के अकॉर्डिंग हम ए या एन लगाएंगे, हम बॉय के अकॉर्डिंग या ए लगा दे या ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग या एन लगा दे, बोलिए। हाँ हाँ, एक मिनट देखेंगे, जो आपका सबसे बाद में आएगा, पहले तो बॉय आया होगा और बाद में क्या आया है, ऑनेस्ट, बाद में क्या आया है, ऑनेस्ट, या ऐसे समझ लीजिए जो सबसे यहां पर पहले रहेगा, ठीक है, तो उसके साउंड के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे, या जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो बाद में तो ये आया होगा ऑनेस्ट, पहले तो बॉय आया होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ रूल भी है हमारे भारत में कि जो पहले आते हैं उसका वैल्यू होता है, और फिर जो उसके बाद में आएगा तो उसका वैल्यू, जो पहले से आया हुआ है उसका वैल्यू कम हो जाता है। जैसे कि नानी के यहाँ गए हम लोग, गए नानी के यहाँ, मामा के यहाँ गए, तो हम पहले पहुंचे हैं तो मेरा भी वैल्यू होगा वहां पे, है ना, खूब नाश्ता वगैरह, दलबूट वगैरह, पार्ले जी खाने को मिलेगा। लेकिन 10 दिन बाद मेरा भाई नानी के आएगा, नानी के यहाँ आएगा, ठीक है, और मैं भी वहां हूं और मेरा भाई आया है 10 दिन बाद, तो अब वैल्यू किसका होगा, मेरे भाई का,
क्योंकि वो बाद में आया है, ठीक है, अब उसका वैल्यू होगा, ठीक है, तो मेरा वैल्यू अब कम जाएगा क्योंकि मैं पहले से आ चुका हूँ वहाँ पे, नहीं ऑलरेडी, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी है, जो बाद में आएगा उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल को लगाएंगे, है ना। तो बाद में कौन आया है, ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट ऑसे है ना, ऑसे, ठीक है, तो क्या लगाएंगे, एन ऑनेस्ट बॉय, क्लियर क्लियर। आगे बढ़ा जाए, अगला फॉर्मूला में आएंगे हम लोग, अगले फॉर्मूले में। अब बोल रहा है एडजेक्टिव प्लस पिसिन, क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव प्लस पिसिन, है ना, एडजेक्टिव हो अब नाउन सिंगुलर नहीं, प्लुरल काउंटेबल नाउन हो, प्लुरल फॉर्म हो, तो वहां पे क्या करेंगे, तो वहां पे नो आर्टिकल, क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म है तो यहाँ पे नो आर्टिकल, है ना, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया, प्लुरल फॉर्म है तो नो आर्टिकल, ठीक है। एग्जांपल भी देख लीजिए, ऑनेस्ट बॉयज क्रॉस कर देंगे क्योंकि बॉयज क्या है, प्लुरल फॉर्म है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस एसियन। हाँ, इसमें एक चीज नया आ गया है, अब क्या नया आया है, आपका एडवर्ब आ गया है, क्या आ गया है, एडवर्ब, और मालूम है एडवर्ब जो होता है वर्ब को भी क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगा, है ना। तो यहां पे आपका एडवर्ब आ गया है और एडजेक्टिव और एसियन सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो बोल रहा है कि एडवर्ब रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एसियन रहेगा, तो आर्टिकल आएगा, आर्टिकल आएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिए, वेरी आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब, वेरी क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है, और ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, है ना, और बॉय क्या हो जाएगा, एसियन। तो बोल रहा है कि वेरी एडवर्ब, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, और बॉय क्या, एसियन। तो अब क्या होगा, आर्टिकल आएगा, तो अब आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आएगा, अब आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग आएगा, अब वेरी के अकॉर्डिंग ए लगा दे, या ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग एन लगा दे, या बॉय के अकॉर्डिंग ए लगा दे। अब तो तीन तीन आ गया है, अब तो और दिक्कत हो रहा है कि किसका साउंड चेक करके लगाए आर्टिकल। तो मैंने बताया था जो बाद में आएगा गेस्ट बन के उसी का वैल्यू होगा। तो बाद में अभी कौन आया है, वेरी आया है, कौन आया है, वेरी आया है ना, या ऐसे समझ लीजिए जो सबसे साइड में आगे रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, या जो बाद में आएगा, है ना, उसी का वैल्यू होगा, उसकी अकॉर्डिंग ए या एन लगाएंगे। तो वेरी वॉसे, तो क्या हो जाएगा, ए वेरी ऑनेस्ट बॉय, क्लियर है ना। ऐसा नहीं कि ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एन लगा देंगे, ठीक है, साउंड चेक करना है, जो सबसे साइड में रहेगा, सबसे इधर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग, या जो बाद में आएगा उसी का वैल्यू होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे एडवर्ब, एडवर्ब एडजेक्टिव प्लस पिसिन, ऐसा रहेगा तो पिसिन की बात आ गई है, और जहां भी पिसिन रहेगा उसके पहले नो आर्टिकल, उसके पहले नो आर्टिकल मैंने क्रॉस भी कर दिया है, ठीक है, क्योंकि पिसिन जहां जहां आया था वहां पे आर्टिकल नहीं आया था, ए या एन, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहां पे वेरी है, ऑनेस्ट है, और बॉयज है, तो इसके पहले नो आर्टिकल, क्लियर। अब आपको हर चीज मालूम है कि ए एन कब लगेगा, है ना, और उसका पोजीशन कब कब कहां होगा और कहां नहीं होगा आपको मालूम है। और ये जो ट्रिक है ये बहुत ही हॉट टिप्स, इसको हम कहते हैं हॉट टिप्स, लिख के कोई फॉर्मूला को हम हॉट टिप्स लिखते हैं, ठीक है, और ये हॉट टिप्स आपका है, बहुत हेल्प करेगा आपको कहां पे क्या पोजीशन होगा, ठीक है। हाँ, एक और बात, जो न्यू जो व्यूअर होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे ताकि उनको मेरा आने वाला नया वीडियो मिलता रहे, और इससे पहले मैंने 10 वीडियो बना रखा है, उसको भी आप लोग देख लेंगे, है ना। और अगर आपको पसंद पड़े तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमको भी लगेगा कि ऐसा ऐसा वीडियो आपके लिए और अच्छा बनाऊं, एक पर एक आपके लिए ट्रिक लाऊं, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ लोग बोले कि सर क्लास को और लंबा लीजिए, हाँ लंबा क्लास लेंगे, अभी क्या है कि अभी हम न्यू यहाँ पे है, ठीक है, तो होता क्या है कि कोई नया नया हमसे कोई जुड़ेंगे तो लंबा क्लास लेंगे, तो हो सकता है कि आधा आज का बच जाएगा तो फिर आधा कल पढ़ाएंगे, तो जो न्यू व्यूअर होंगे उसको आधा से नहीं समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या होता है कि एक क्लास में एक चीज़ कंप्लीट कर देता हूँ, तो वैसे क्या होगा कि अगले क्लास में कोई न्यू भी होंगे तो उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे वीडियो आप लोग बेसिक देख लेंगे तो एडवांस पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, उसे क्या होगा कि बेसिक इधर समझे रहिएगा और वहाँ भी समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए आज एक चुटकुला आप लोग सुना देते हैं। गाना गाने के लिए आप लोग फरमाइश करते हैं, गाना गाएंगे है ना, लेकिन थोड़ा सा अगले क्लास में गाएंगे, थोड़ा सा याद कर लेते हैं, एक चुटकुला आप लोग बोल देते हैं, ठीक है। देखिए एक बार क्या हुआ कि मेरे गांव में एक आया पंखा बेचने वाला, हैंड फैन, ठीक है, हैंड फैन। तो बोला कि 5 रुपया में एक पंखा, हैंड फैन से जो अपने जो होता है, ठीक है। तो वो आदमी बोला 5 रुपया एक पंखा, तो हाँ 5 रुपये में एक पंखा, और एक पंखा आपका चलेगा, कम से कम चलेगा तो 2 साल चलेगा, 2 साल एक पंखा। तो वो आदमी देखा कि अरे भाई लाओ, एक क्यों ले लेते हैं, 5-10 ले लेते हैं है ना, और रिलेशन में कहीं कहीं भेज देंगे पंखा, मेरा भी नाम होगा कि भाई एक पंखा इतना दिन चल रहा है। तो वो आदमी 10 पंखा ले लिया, और वो पंखा क्या हुआ कि 3 महीना में ही सब टूट गया, 3 महीना में ही सब टूट गया। अब वो आदमी गुस्सा गया कि बोला कि एक पंखा चलेगा, 1 साल 2 साल यहाँ पूरा पंखा टूट गया 3 महीना में। वो काफी गुस्सा गया कि पंखा बुलाएगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, बैंड बजा देंगे उसका। पंखा वाला 6 महीना बाद आया है ना, तो आया तो पकड़ा उसको, बोला कि तुम तो बोला था कि फैन जो है पंखा नहीं टूटेगा, लेकिन ये 3 महीना में ही टूट गया। तो पंखा वाला बोला कि अच्छा ये बताओ कैसे होंकते थे पंखा तुम, तो कैसे होंका जाता है, ऐसे ऐसे होंकते थे। नहीं भाई, फैन ऐसे रहना चाहिए था और मुंह को इधर उधर करना था। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए इसको नोट कर लेंगे और फिर अगले क्लास में द का चैप्टर लेकर आएंगे और उसको भी ऐसा ही समझाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।